Welcome to my YouTube channel. Subscribe now. AP Burma Education Knowledge. Dear student, my friend, मैं आज आपके बीच आया हूँ अंकित वर्मा आपके लिए कुछ नए टॉपिक और छोटी बेसिक बातों का जो आज तक बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, हाँ ये क्या चीज़ है या कैसे होता है। तो हम इस बात करेंगे साइंस पे। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बारे में बात करेंगे। विज्ञान जो है किसी वस्तु या विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करना विज्ञान कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है, किसी वस्तु को सुसंगठित और सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसी भी वस्तु को सही रूप से रखना या सेट करना या कैसे वो काम करता है इसके बारे में बताता है। विज्ञान से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं, हानि भी हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे टाइम में विज्ञान जो है एक बहुत बड़ी शाखा है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते हैं। लेकिन विज्ञान ही हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास लाया है। विज्ञान जब विज्ञान का शुरुआती जड़ों का पता प्राचीन मिस्र भाषा के मेसोटोमिया से लगभग 3500 से 3000 ईसा पूर्व में पता लगाया गया था। तो विज्ञान को जो बताया गया है यहाँ पर लिखा गया है आप देख सकते हैं, या विज्ञान को कई शाखाओं में फिर से बांटा गया है जिसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं। और केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स में हम भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं, जैसे कि ताप, दाब, बल, ऊर्जा, तरंग इत्यादि। फिजिक्स के जन्मदाता या खोज जिसने किया था उनका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का मतभेद या बहुत सारे लोगों का मतभेद है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गैलीलियो और न्यूटन का। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो जिन्हें माना जाता है या वरीयता दी जाती है वो हैं फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। ऐसे केमिस्ट्री किसे कहते हैं, द्रव्य के गुणधर्म व उनके रूपांतरण का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रव्य के गुणधर्म व उनके रूपांतरण का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। इसमें हम रासायनिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी वस्तु की सांद्रता, अम्लीता या उसमें चेंजेस जो भी होते हैं, हम यह रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए हैं। यह रसायन विज्ञान के जनक हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी जिसे हम जीवन और जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जीवों या जीवन का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जूलॉजी जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और दूसरा बॉटनी जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी के जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है वो हैं अरस्तु, और जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है वो हैं थियोफ्रेस्टर। तो आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है। आप हमारे वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें। आगे नेक्स्ट